इवनिंग चिल्ड्रन, अभी हम देखते हैं पार्ट सेवन ऑफ नंबर सिस्टम. ठीक है, पार्ट सेवन देखते हैं. तो यहाँ पे देखो, 1/7 का आपको वैल्यू दिया है 0.142857 बार. इसका 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन दिया है आपको. और यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का वैल्यूज हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले हम 1/7 का पूरा डिविजन शो करेंगे यहाँ पे. तो 1/7, तो 7 0s are 0, फिर 1 आया रिमाइंडर, 0 लिया, 7 1s are 7, 30, 7 4s are 28, 20, 7 2s are 14, 60 आया, 7 8s are 56, ये 40 हो गया, 7 5s are 35, 50 हो गया, 7 7s are 49, फिर से 1 आ गया रिमाइंडर. ठीक है, शुरुआत में भी 1 था, यहाँ पे भी 1 आ गया, मतलब ये पूरे डिजिट्स रिकर होंगे यहाँ पे. ठीक है, तो 1/7 का वैल्यू आया 0.142857 बार. ठीक है, तो अभी हमको फाइंड करना है 2/7. ठीक है, तो 2/7 का वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी क्या है, यहाँ देखो न्यूमरेटर में क्या है, 2. तो हमको देखना है कितने स्टेप के बाद रिमाइंडर 2 आया. यहाँ पे देखो, रिमाइंडर 2 आया है, यहाँ रिमाइंडर 2 आया है, तो कितने स्टेप के बाद 2 आया है रिमाइंडर, 1 2 1 2. ठीक है, दो स्टेप के बाद रिमाइंडर 2 आया. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले दो नंबर छोड़ देने हैं. ठीक है, पहले दो नंबर छोड़ देने हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना. तो यह आ जाएगा 0.2857, और फिर से स्टार्टिंग से लिखना है 1 4. पीछे से जो नंबर है उसको उल्टा नहीं लिखना, उसको 1 4 ही लिखना है, स्टार्टिंग से ही लिखना है वो नंबर. ठीक है, तो 2 रिमाइंडर कितने स्टेप के बाद आया, 2 स्टेप के बाद आया. तो पहले दो नंबर हमने छोड़ दिए, फिर लिखा 0.2857 1 4 बार. तो ये हो गया 2/7 का वैल्यू. ठीक है, वैसे अभी हम फाइंड करेंगे 3/7. तो अभी ये देखो, 3 कितने, जो रिमाइंडर 3 है वो कितने स्टेप के बाद आया, 1 स्टेप के बाद आया. तो अभी आपको क्या करना है, एक नंबर छोड़ देना है. ठीक है, अभी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0.42857 1 बार, 4 2 5 8 7 1 बार. ठीक है, फिर उसके बाद आपको 4/7 फाइंड करना है. तो अभी रिमाइंडर 4 देखो कितने स्टेप के बाद आया है, ये रिमाइंडर 4 कितने स्टेप के बाद आया, 1 2 3 4, 4 स्टेप के बाद आया रिमाइंडर 4. तो हमको 4 नंबर छोड़ने हैं पहले के. तो ये 4 नंबर छोड़ दिए, कहाँ से लिखेंगे, 0.57, फिर 1 4 2 8 बार, 0.57 1 4 2 8 बार. अभी फाइंड करना है 5/7. तो रिमाइंडर 5 देखो कितने स्टेप के बाद आया है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप के बाद रिमाइंडर 5 आया है. तो आपको पहले 5 डिजिट्स छोड़ देने हैं. तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स छोड़ दो, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0.7 1 4 2 8 5. ठीक है, 0.7 1 4 2 8 5 बार. तो ये आ गया 5/7. वैसे अभी फाइंड करना है 6/7. तो आप रिमाइंडर देखो, 6 कितने डिजिट्स के बाद आया है, 1 2 3, 3 स्टेप के बाद रिमाइंडर 6 आया है. तो आपको 3 डिजिट्स छोड़ देने हैं, 1 2 3, पहले 3 डिजिट छोड़ देने हैं. तो आ जाएगा 0.857 1 4 2 बार. ठीक है, तो 0.857 1 4 1 4 0.857 1 4 2 बार आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. नाउ विल सी क्वेश्चन 6. अभी देखो क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, P/Q has terminating decimal expansion. P/Q दिया है, it has a terminating decimal expansion. So, can you guess what property of Q must satisfy? तो हमको बताना है कि Q कौन सी property satisfy कर रहा है. ठीक है, अगर P/Q ये decimal, terminating decimal expansion है तो यहाँ पे आपको दिया है, since P/Q has terminating decimal expansion, terminating है. तो देखो अभी इसके लिए मैंने थोड़े examples लिए, examples के through आपको समझाते हैं. तो देखो यहाँ पे 2/5 ये टर्मिनेटिंग है, 36/100 ये भी टर्मिनेटिंग है, 7/8 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है. तो हमने कैसे पहचाना ये टर्मिनेटिंग है, ये देखो इसको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. तो 2/5 2/5 1 डिनोमिनेटर के ही फाइंड करना है, न्यूमरेटर के नहीं करने हैं. 100 को कैसे लिखेंगे, 4 25 4 जा, तो 25 मतलब 5 स्क्वायर और 4 मतलब 2 स्क्वायर. और फिर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, 2 raised to the power 3. ठीक है, ये हो गए 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अभी देखो
अभी आपको फाइंड करना है, यहाँ पे देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मतलब ये डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये, 2^n 5^m, यहाँ देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 और 5 दोनों है, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पे कौन से फॉर्म में दिख रहा है, एक तो 5 है डिनोमिनेटर में या फिर 2 है या फिर दोनों 2 एंड 5 है, ठीक है, तो ये कौन से फॉर्म में है, 2^n 5^m के फॉर्म में है, ठीक है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, n एंड m क्या है ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, सो क्या कंडीशन होनी चाहिए, इफ p बाई q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देन q, q मतलब डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए, 2^n 5^m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, समझ में आया, 2^n और 5^m के ही फॉर्म में होना चाहिए वो, ठीक है, समझ में आया आपको ये, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 and 9/11, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, अभी तक हमने देखे थे रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, अभी आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको दो रैशनल नंबर्स दिए 5/7 and 9/11, तो पहले तो हमको उसका डेसिमल फॉर्म शो करना है, लॉन्ग डिविजन शो करना है, तो 5/7 का लॉन्ग डिविजन आता है 0.714285 बार, वैसे 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन आता है 0.81 बार, ठीक है, अभी ये दोनों के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो देखो उसको कैसे फाइंड करना है, पहले दो डिजिट ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये क्या है 0.71 और यहाँ है 0.81, तो 0.71 और 0.81 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, ऐसे 0.80 तक आते हैं, ठीक है, तो हम देखो अभी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो डैश डैश होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग मतलब कोई भी नंबर्स आपको रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये देखो 0.720 7200 7200 डैश डैश, ये हो गया एक इरेशनल नंबर, दूसरा हो जाता है 0.730 7300 7300 डैश डैश, ये नेक्स्ट हो गया 0.750 7500 7500, दिस इज द अनदर इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 9/11, ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं उसके बीच के, ठीक है, सो